साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक फ्रॉड की। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति आज की तारीख में फेसबुक इस्तेमाल करता है और जो भी व्यक्ति फेसबुक चलाता है उसके सामने फेसबुक की तरफ से कई प्रमोशनल एड्स चलती है, वह उसको दिखाई देती है। वह एड्स कपड़ों के बिजनेस को लेके हो सकती है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट को लेके हो सकती है, लोन के नाम पे हो सकती है या जॉब के नाम पे हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में पिछले दो महीनों के दौरान हमको जितने भी फोन आए उन फोनों में लगभग यह होता है कि लोग यह कहते सुनाई देते हैं कि सर फेसबुक पे हमने लोन देने वाली एक एड देखी थी और उस एड को देखकर हमने क्लिक किया तो उसने नॉर्मल जानकारी मांगी, हमने उसकी जानकारी फुलफिल कर दी, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका लोन सैंक्शन हो गया और आपको ये राशि जमा करानी है और हमने वह राशि जमा करा दी। उसके बाद हम उस नंबर पे फोन लगा रहे, वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप किसी बैंक या किसी सोसाइटी या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने जाते हैं तो वह आपके घर के एड्रेस को फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, वह आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करते हैं, आपके दो रेफरेंस नंबर लेते हैं। यदि बड़ी लोन राशि दे रहे होते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर वह आपकी प्रॉपर्टी, कार या जो भी कोई प्रोडक्ट आपके पास है उसको मॉर्गेज रखते हैं या फिर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहे हैं जो अनसिक्योर्ड लोन है, तो उसकी सुरक्षा के लिए वह आपसे ब्लैंक चेक, स्टाम्प वगैरह लेते हैं और आपके लोन के ईसीएस प्रोसेस किया जाता है ताकि मंथली किस्त आपके खाते से कट जाए। ऐसी अवस्था में आपको खुद ही सोचना चाहिए कि जब फेसबुक पर कोई एड आई हुई है और उस एड को देखकर आप क्लिक करते हैं और आपकी दो जानकारियां भर देने पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके घर का एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, इतना ही भर देने की अवस्था में किस तरीके से आपको कोई बड़ा लोन हो सकता है। बड़ा क्या, छोटा लोन भी हो सकता है। जिस जो व्यक्ति आपके घर को नहीं देख पाया, जो आपके डॉक्यूमेंट नहीं देख पाया, क्या नीड है आपको और उसके लिए आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यह नहीं देख पाया, तो ऐसी अवस्था में उस अनजान व्यक्ति की एड पर भरोसा करके आप वहां क्लिक करके अपनी जानकारी भरते हो और वो जब कहते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया और आप राशियां जमा करा देते हो। अगर यहां फ्रॉड होता है तो मैं एक बात कहूंगा कि यहां पर कुल मिलाकर गलती उस इंसान की नहीं है, यहां गलत आप है जो आप लोभ में आए, लालच में आए और सोचा कि हमको लोन मिल गया। इसी तरह फेसबुक पर कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं और आज की तारीख में OLX की भी बात कर लूं, OLX और फेसबुक पर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचने के नाम पे कई लोग मिलिट्री का नाम लेते हैं कि हम इस कमांडेंट से बोल रहे हैं, इस जगह हमारी पोस्टिंग है, ये 50,000 का मोबाइल है, यदि आप 10,000 में खरीदना चाहते हो तो मुझे अर्जेंट है, आप अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, हम प्रोडक्ट आपके घर भेज देंगे। तो सोचने की बात होती है कि किस तरह कोई व्यक्ति जो आपसे दूर बैठा हुआ है, आप उस पर भरोसा करके आप अपनी राशि जमा कराते हो तो आप निश्चित रूप से धोखे के शिकार होंगे। इसके अलावा एक बात मैं आपको और अलग से कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति फ्रॉड करता है वह कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और यह लोग इतनी दूर बैठे होते हैं कि यदि आपके साथ 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए की कोई धोखाधड़ी हो भी गई और यदि आप पुलिस के अंदर जाकर, पुलिस विभाग में जाकर आप FIR दर्ज भी करा देते हैं, तब तक इन लोगों के अकाउंट नंबर चेंज हो जाते हैं, इन लोगों के फोन नंबर बंद हो जाते हैं और इन लोगों को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति जो फेसबुक चला रहा है वहां पर आपको ये जानकारी रखने की आवश्यकता है कि आपको किसी भी रूप के अंदर किसी भी अननोन व्यक्ति के खाते में कोई राशि जमा नहीं करनी है। इसके साथ एक चीज और कहता हूं मैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं, आपको पैसा नहीं जमा कराना है, प्रोडक्ट जब आपके घर पहुंच जाए आप अपने हाथ में प्रोडक्ट ले लें तब आपको जो कुरियर बॉय आता है उसको कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट पे कर देना है। तो ऐसी अवस्था में भी आपको ध्यान रखना चाहिए
कि जो ट्रस्टेड साइट्स नहीं है, जो ट्रस्टेड लोग नहीं है, यदि वो आपको कोई प्रोडक्ट भेजते भी है तो उस डिब्बे के अंदर जो पैकिंग पार्सल भेज रहे हैं उसके अंदर रद्दी या फिर 100-200 रुपए की कोई चीज रखी होती है जिसके लिए आप 10,000 रुपए की राशि का या बड़ी राशि का भुगतान कर देते हैं, और जब आप पेमेंट कुरियर बॉय को दे देते हैं उसके चले जाने के बाद जब आप उस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि कोई भी कुरियर बॉय, कोई भी कुरियर कंपनी, जब उनका नियम होता है कि वो प्रोडक्ट आपको हाथ में देंगे, पैसा लेंगे, क्योंकि वो पैसा उनको भी आगे भेजना होता है। तो फेसबुक के नाम पे, ओएलएक्स के नाम पे चलने वाले फ्रॉड से आपको सावधान रहना है, क्योंकि इन फ्रॉड के होने के बाद यदि आप इन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराते भी हैं तो कोई रास्ता नहीं निकलना है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं जो गूगल पे और फोन पे के माध्यम से सर्विसेज क्रय करने के नाम पे, जैसे मान लीजिए आप इनकम टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप एडवोकेसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी सेवाएं देते हैं जो सेवाएं ऑनलाइन है, तो फ्रॉड लोगों ने नया तरीका निकाला है कि वह व्यक्ति को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये सर्विसेज आप हमको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दीजिए, आपका पेमेंट क्या बताइए। तो वो कहते हैं कि भाई 5,000 रुपया फीस डिसाइड की गई, तो आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दीजिए। वो नंबर ले लेते हैं और कुछ समय बाद वो फोन करके कहते हैं कि आपका नंबर सर्च नहीं हो रहा है, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को आप क्लिक कर दीजिए, आपको आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा। कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अधिक पढ़े लोग के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं कि वो लिंक आते ही क्लिक करते हैं और वो परमिशन दे देते हैं कि आपके खाते की राशि उस व्यक्ति के खाते में चली जाए और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है, प्रत्येक व्यूअर, दर्शक जो हमें देख रहे हैं, फेसबुक, ओएलएक्स या जो भी सोशल साइट्स हैं, इनके ऊपर इस प्रकार के फर्जी प्रमोशनल एड्स से बचें, क्योंकि यहाँ सिवाय धोखा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, केबीसी में आपका सिलेक्शन हो गया, आपके नाम पे लॉटरी खुल गई, एक बहुत बड़ा ड्रॉ हो गया, आप करोड़पति बन गए, ऐसी चीज़ों से आपको सावधान ही रहना है, क्योंकि यदि ऐसा कोई भी प्रोसेस होता है तो उसके लिए एक लीगल तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो इस चीज में आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि ऐसे फ्रॉड से अपने आप को बचाना है। यदि फेसबुक चलाते हैं, ओएलएक्स ऑपरेट करते हैं, कोई भी सोशल साइट्स ऑपरेट करते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल पर दिए जाते रहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के जनहित के मैसेज जरूर शेयर करें ताकि कोई जनता फ्रॉड का शिकार नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।